नमस्कार, स्वागत है आपका आईबीएन 7 में। मैं आपके साथ पायल भुयन। मुंबई में शनिवार को कांदिवली इलाके के नाले में मिली दो लाशों की पहचान जानी मानी कलाकार हेमा उपाध्याय और उनके वकील हरीश बंभानी के तौर पर हुई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले में पूछताछ के लिए तीन लोगों को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि हेमा एक जानी मानी कलाकार हैं जो फोटो और मूर्तियों की मदद से बड़े इंस्टॉलेशन बनाती थी। हेमा के पूर्व पति भी चिंतन उपाध्याय भी मशहूर कलाकार हैं। हालांकि दोनों में 5 साल पहले तलाक हो चुका है, लेकिन 2 साल पहले हेमा ने चिंतन के खिलाफ उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था, जिसके बाद से ही दोनों के बीच कलखी चल रही थी। और इस बीच पुलिस ने भी शक जताया है कि हेमा और उनके वकील की हत्या के पीछे किसी करीबी का हाथ हो सकता है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में वो चिंतन उपाध्याय से भी पूछताछ करेगी। मुंबई में शनिवार को कांदिवली के नाले में दो शव मिले। जब उनकी शिनाख्त हुई तो पुलिस के भी होश उड़ गए। शिनाख्त में पता चला कि ये शव जानी मानी कलाकार हेमा उपाध्याय और उनके वकील हरीश भंभानी के हैं, जिनकी हत्या कर किसी ने दोनों की लाशों को सफेद प्लास्टिक में लपेटकर नाले में फेंक दिया। पुलिस की जांच में दोनों शवों पर जख्म के निशान पाए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बताया जा रहा है कि इस मामले में तीन लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। मर्डर का केस रजिस्टर्ड किया गया है कांदिवली पुलिस स्टेशन में 302 201 34 के अंतर्गत और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इंक्वायरी जो है वो चल रही है काफी लोगों से और इन्वेस्टिगेशन ऑन है। हेमा उपाध्याय और हरीश भंभानी के पहले ही गुमशुदगी की शिकायत मुंबई के पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। चूंकि हेमा मुंबई के पॉश इलाके जुहू तारा रोड सांता क्रूज में रहती थी, इसलिए हेमा की गुमशुदगी की शिकायत सांता क्रूज पुलिस थाने में और हरीश भंभानी की लापता होने की शिकायत माटुंगा पुलिस थाने में की गई थी। कल ही मिसिंग कंप्लेंट दाखिल हुई है माटुंगा और सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में। बताया जा रहा है कि हेमा उपाध्याय की अपने पति के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे, इसलिए वो अलग रहती थी। उन्होंने कहा कि हम सेपरेट होना चाहते हैं, तो तब हमने पूछा भी सही, उनका कि हमारे विचार वैचारिक मतभेद है, विचार हमारे नहीं मिल सकते, तो इससे ज्यादा लंबा समय हम नहीं रह सकते। मामला हाई प्रोफाइल है, ऐसे में हर कोई इस घटना के बाद सकते में है कि आखिर इन दोनों को किसने मौत के घाट उतार दिया। बीजेपी नेताओं के मुताबिक सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है और जाँच कराई जा रही है। मुंबई पुलिस हमें उम्मीद से और यकीन के से कह सकते हैं कि खुलासा करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद पूरी जानकारी देंगे और गृह मंत्री यानी कि मुख्यमंत्री स्वयं देख रहे हैं कि ये जल्द से जल्द प्राप्त हो। आपको बता दें कि 45 साल की हेमा को गुजरात ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय कला अकादमी से राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे। बताया जा रहा है कि हेमा ने 2013 में अपने पति और जाने माने कलाकार चिंतन उपाध्याय के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। हेमा का आरोप था कि चिंतन उनके कमरे के दीवारों पर श्लील स्केच बनाते थे और इसी मामले में हरीश भंभानी उनके वकील थे। पुलिस सूत्रों की माने तो इस पूरे मामले में शक की सुई हेमा के पति चिंतन पर जा रही है और पुलिस चिंतन उपाध्याय से पूछताछ कर सकती है। अफजल हुसैन, मुंबई, आईबीएन 7। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता। विवेक, पुलिस कौन कौन से पॉसिबल एंगल्स हैं जिन पर अब काम करने जा रही है?